चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। 12, 13 और 14 जनवरी की द हिंदू की जीके वोकैब और करंट अफेयर, तो 3 दिन के एक साथ बता रहा हूँ। जब एक पेज पूरा भरता है तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आज जाके ये पेज भरा है पूरा, तो 10 लाख करंट अफेयर हो जाए तो अच्छी वीडियो बनती है। तो इस वजह से थोड़े थोड़े गैप भी आ जाता है, क्योंकि किसी दिन अखबार में पूरी नहीं आ पाती, तो बेकार करंट अफेयर लिख के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहला जो है नेशनल यूथ डे, ये होता है 12 जनवरी, और ये सेलिब्रेट कराया जाता है बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है हर साल। दूसरा, जयदीप गोविंद सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं एनएचआरसी के। तो एनएचआरसी के फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो जो ह्यूमन के राइट होती है उनको ये प्रोटेक्ट करती है। और एचएल दत्तू हैं जो जस्टिस हैं रिटायर्ड, ये इसके चेयरपर्सन हैं। अब तीसरा, अम्मा घरे एलईडी, ये स्कीम लॉन्च करी गई है उड़ीसा के। एलईडी से आप लगा सकते हो कि पावर से रिलेटेड स्कीम है। अब एक स्वाजीलैंड, ये भाई मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड का नाम हमेशा स्वाजीलैंड कहता था, मुझे पता नहीं था स्वाजीलैंड नाम का भी कोई देश है, तो इस वजह से मैंने इसको लिख लिया है। ये कि सदर्न अफ्रीका की एक कंट्री है, और इसका कैपिटल, दो है इसकी कैपिटल, मबाबने और लोम्बाबमा, और इसकी ऐसे ही करेंसी भी दो है। एक तो जो करेंसी आई आरएनडी, उसको प्रोनाउंस जैसे मन कर वैसे कर लो, और दूसरी करेंसी है स्वाजीलैंड। अब पांचवा देख लो, प्रणव आर मेहता जो है ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए हैं, प्रणव आर मेहता, तो इसको भी याद रखेंगे आप। आईसीआईसीएस लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला आदि गोदरेज को, जो आदि गोदरेज जो है, जो गोदरेज कंपनी के मालिक है, उनको मिला, जो ये मतलब गरीब आदमियों के लिए बहुत इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टाटा और ये, तो इस वजह से इनको मिला। अब साथ देखो, एग्जीबिटर ऑफ द ईयर 2019 एलपीयू में किसको मिला? एलपीयू में आपको बताया भी, इंडियन साइंस कांग्रेस चल रही थी उसमें ही एग्जीबिटर ऑफ द ईयर मिला डीआरडीओ को। डीआरडीओ फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आठवां यह है ग्रो फाइनेंस जो है हाउसिंग फाइनेंस आर्म है एचडीएफसी का, और ये मर्ज किससे कर रहा है? बंधन बैंक से। नोवा इंडियन आर्मी और पीएनबी के बीच एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए? डिफेंस सैलरी पैकेज, जो सैलरी वगैरह जाती है उसके लिए इनके में क्या हुआ, एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दसवां, पुलिस ई आई ऐप, ये लॉन्च कौन से प्रदेश ने करी है? कोयम्बटोर। कोयम्बटोर कहाँ पे? तमिलनाडु में। ग्यारहवां, ग्यारहवां है सखी स्कीम। सखी स्कीम क्या है? अंडर निर्भया फंड स्कीम लॉन्च करी गई है रेप विक्टिमों के लिए, बहुत सारे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी, कि जहाँ भी रेप विक्टिम हो यहाँ पे जाके सखी सेंटर में और जाके हेल्प ले सके। ओएससी बोला गया है इसके सेंटर को, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर। अब बारहवां देख लो, एक फेस्टिवल है मकारू लक्कू फेस्टिवल, सबरीमाला का पार्ट है ये। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? केरल में। टिकटॉक की कंपनी का जो नाम है बिट डांस, और एंगर रूम बनाया गया बीजिंग चाइना में। एंगर रूम में क्या है कि आप कुछ भी जाके तोड़ा ताड़ी करो, पैसे दो, तो लगभग बता रहे थे कि $26 में आधा घंटा कुछ भी तोड़ा फाड़ी करो उस एंगर रूम में, कीबोर्ड टीवी तो ये सब वहाँ पे तोड़ सकते हो आप जाके। अब थोड़ी वो कैब देख लो, पहला स्टोंचली, स्टोंचली होता वेरी लॉयल, कटप्पा से याद रख सकते हो आप इसको। स्लैश होता है कीचड़, ही वॉज रनिंग इन स्लैश, वो कीचड़ में भाग रहा था। ग्रोव होता है उपवन, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं वो। इन अ सूप का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में, तो सूप अगर आप अकेला ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, पर इन अ सूप का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज इन अ सूप, इंडिया भी कठिन परिस्थितियों में है। परपोटेडली का मतलब तो कथित रूप से, मतलब बस कहा है, जैसे सब कहते हैं कि सीजियल इज डिफिकल्ट, परपोटेडली सीजियल डिफिकल्ट है कथित रूप से, पर प्रैक्टिकली बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ने में है। अगर वो पढ़ने में कमजोर है तो हो है उसके लिए डिफिकल्ट, पर वो करने में ठीक है तो फिर नहीं है डिफिकल्ट। लास्ट है जिंगल, जिंगल होता है जिंगल बेल वो ये है मेक रिपीटेड रिंगिंग साउंड। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छी लगी लाइक करना, आगे देखने सब्सक्राइब करना।